दोस्तों आपने इस टाइप की दो वीडियो जो है देख लिया होगा आपने हमारे चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल पे रेगुलर होने वाली वीडियो को देखते होंगे और कुछ ना कुछ नया सीखते होंगे। दोस्तों आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और मेरा सपोर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि आप भी कुछ नया सीख पाएं और मैं आपको कुछ नया सिखाने के लिए तभी मोटिवेट हो पाऊंगा जब हमारे वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करेंगे और कुछ अच्छी बातें बताएंगे कि हमें ये चीज समझ में आ जाती है आपके द्वारा पढ़ाने से, और कुछ ऐसी बातें होंगी जो हमारे पढ़ाने से आप नहीं समझ पाते होंगे, वो कमेंट में आप हमें मेंशन करिए, मैं उसमें जरूर सुधार लाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि जो भी वैल्यू अपॉन में होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास करूंगा आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर 1 अपॉन ए है और यहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है। अगर 1 अपॉन ए ही होता या 1 अपॉन ए स्क्वायर होता तब तो मानने में बहुत आसानी होती, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर हम ए स्क्वायर को मान लेते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर को मान लेते हैं, एम मान लिया, और 1 अपॉन बी स्क्वायर को मान लिया टी। ठीक है, अब हम अगर 1 अपॉन ए स्क्वायर को m मान लिए तो 1 अपॉन a की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। 1 अपॉन इसको लिख सकते हैं a इंटू ए, यहां आ गया m, यानी 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी m a। ठीक है, यहां पर एक इधर चला गया तो 1 अपॉन a की वैल्यू m a आ जाएगी। उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन b इंटू b, ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा t। उसी तरीके से 1 अपॉन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी t आ जाएगी, ठीक है, भी आ जाएगी। ठीक, अब यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो x अपॉन a की जगह क्या आ जाएगा x, और यहां पर 1 अपॉन a की जगह क्या आ जाएगा m a, प्लस y 1 अपॉन b की जगह क्या आ जाएगा t और b, बराबर में आ जाएगा a प्लस b। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहां पर 1 अपॉन a स्क्वायर है, यानी यहां पर m आ जाएगा xm, xm हो गया, प्लस y के साथ में क्या आ गया t आ गया है। ठीक, बराबर में हमारे पास क्या है 2 है। अब हम यहां पर एक काम ये करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन में, मतलब इन दोनों को बराबर करने का प्रयास करेंगे। बराबर करने के लिए मुझे इसमें a दिख नहीं रहा, अगर इसमें a आ जाए तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, फिर हम माइनस कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम समीकरण 2 को a से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स एम ए प्लस वाई टी, ए आ जाएगा, बराबर में 2 अगर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमको अगर 1 माइनस करना है तो यहां पे m समीकरण 1 की वैल्यू को लिख देते हैं, b बराबर क्या आ जाएगा a। अब माइनस करना है तो माइनस कर देते हैं, यहां आ गया माइनस, यहां आ गया माइनस, यहां आ गया माइनस। ठीक है, ये देखिए वैल्यू सेम है, प्लस माइनस में है, कट गई। यहां पर आ जाएगा हमारे पास वाई टी ए, ठीक है, माइनस का आ जाएगा वाई टी बी, बराबर यहां देखिए यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो 2a में से अगर 1 a गया तो कितना बचा a बचा, और माइनस का क्या बच गया b बच गया। यहां पर आप देख पा रहे होंगे y और t, और y और t दोनों में कॉमन है, तो यहां से y t कॉमन ले लिए तो कितना आया a माइनस b आया, और यहां पर a माइनस b आया, तो आप देख पा रहे हैं कि a माइनस b कट गए। यहां से क्या आ गया हमारे पास वाई टी बराबर कितना आ गया 1 आ गया है। यहां से हम टी का मान निकाल लें तो टी का मान जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन वाई आ जाएगा। तो जब हमने टी का मान निकाल लिया तो टी का मान हम समीकरण 2 में पुट करेंगे तो एम का मान आ जाएगा, क्योंकि एम को मैंने माना था, तो इन दोनों की वैल्यू पता करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर हम लिख देंगे एक्स एम प्लस वाई टी की जगह कितना लिख दें 1 अपॉन वाई स्क्वायर टू लिख देंगे। ठीक है, वाई से वाई क्या हो गया कट गया, एक्स एम बराबर आ गया 2 प्लस का 1 है, इधर आएगा 1 हो जाएगा माइनस का, तो एक्स एम बराबर कितना आ जाएगा 2 में से 1 गया 1 हो गया। यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एम की, तो एम बराबर कितना आ गया 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, टी का मान यहां रख देते हैं, एम का मान यहां रख देते हैं, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहां पर जब मान रखेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, हमको x और y की ही वैल्यू चाहिए ना, तो यहां पर ए स्क्वायर बराबर m की जगह कितना लिख देते हैं 1 अपॉन,
एक्स, तो यहाँ पर x का गुणा 1 से होगा x हो जाएगा और a स्क्वायर का गुणा इससे होगा a स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन b स्क्वायर बराबर t की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन y क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, y बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई a स्क्वायर, y की वैल्यू आ गई b स्क्वायर, यही हो गया हमारा आंसर और ये आंसर एकदम करेक्ट है। हम एक काम ये करेंगे कि हम ये पता करने का प्रयास करेंगे कि जो मेरी x की वैल्यू स्क्वायर आई है और y की वैल्यू भी स्क्वायर आई, ये सही है या गलत है। तो आप सभी को जितने भी क्वेश्चन में बताता हूं वो सभी आप वेरीफाई करते हैं, तो इसको भी चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें हम मान रख देते हैं इस वाले समीकरण में, यहां पर x की जगह कितना रखना है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिख दिया, बटे में a है तो a लिख दिया, प्लस y की जगह कितना रखना है b स्क्वायर और बटे में क्या है b, बराबर क्या आ जाना चाहिए a प्लस b, क्या आ जाना चाहिए a प्लस b। तो चलिए देखते हैं, एक ए से एक ए कट गया, एक बी से एक बी कट गया, तो कितना आ गया ए प्लस बी, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।